ए बॉय द सॉन्ग का ये लास्ट पार्ट है। एंड सो द सन वार्ड डे आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग एंड आई माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टेटर सेंट। यहाँ पर कभी अपनी इमेजिनरी जर्नी के बारे में बताता है। एंड सो द सन वार्ड डे, द सन वार्ड डे से अभिप्राय है ए जर्नी टूवर्स द सन, सूर्य की तरफ यात्रा के बारे में कभी कहता है। वो कहता है आई वेयर, सोअर का मतलब है बैठकर, द ईगल्स विंग चील पक्षी के पंखों पर और बैठकर और अत्यधिक ऊंचाई पर मैं सूर्य की तरफ है और यात्रा कर रहा हूं, ऐसी कभी इमेजिन करता है। एंड इन माई हृदय, और मेरे हृदय में ऑल डे पूरे दिन द ब्लू टिट इज सिंग, और ब्लू टिट जो छोटा सा पक्षी है उसका संगीत है वो गूंजता हुआ रहता है। एक बार दोबारा देखते हैं। एंड सो द सन वार्ड वे, और सूर्य की तरफ अपनी यात्रा के बारे में बतलाता है। एंड आई सोअर ऑन द ईगल्स विंग, और मैं बाल और मैं चील पक्षी के पंखों पर सवार होकर अत्यधिक ऊंचाई पर और सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा कभी इमेजिन करता है। एंड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में ऑल डे पूरे दिन द ब्लूटेड सेंजर, और ब्लूटेड है और पक्षी का जो संगीत है वो गूंजता हुआ रहता है, ये सुनाई देता है। क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट डज द सन वार्ड वे, सन वार्ड वे से क्या मतलब है? ए जर्नी टूवर्ड्स द सन, द पोएट्स जर्नी टूवर्ड्स द सन। अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन का अर्थ है प्रतिक्रिया। और ब्लूटेड, ब्लूटेड सॉन्ग्स ऑन पोएट्स हार्ट, कवि के हृदय पर और ब्लूटेड है और पक्षी के संगीत की क्या प्रतिक्रिया है? तो जो ब्लूटेड पक्षी का संगीत है, तो ये ब्लूटेड से सॉन्ग है फिल्ज है। देखो द ब्लूटेड सॉन्ग है फिल्ज है, द पोएट है हर्ड है विद है डिलाइट है एंड जॉय। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ब्लूटेड सॉन्ग ऑन पोएट्स हर्ट है, कवि के हृदय में ब्लूटेड पक्षी की क्या प्रतिक्रिया है? द ब्लूटेड सॉन्ग फिल्स द पोएट हर्ट है विद डिलाइट एंड जॉय, कि ब्लूटेड पक्षी का जो संगीत है कवि के हृदय को खुशी और मनोरंजन आनंद से भर देता है।